हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको फिर से एक न्यू ओरिजिन ओएस की थीम देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आपको इस थीम में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले हर एक थीम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना कि यह थीम आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपको थीम अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो देख के आप अपनी सभी परेशानी का हल ले सकते हैं। तो थीम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, एंड यहाँ से आपको सेटिंग में जाकर डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। देन गाइस आपको जाना है डिवाइस स्टोरेज में, एंड यहाँ से जाना है आपको डाउनलोड के फोल्डर में, वहाँ पे जाके आपको डॉट आई थीम वाला फोल्डर डिलीट कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस जो मैंने थीम दी थी आपको वो जीप में देखने को मिलेगी, तो वह थीम आपको डिकम्पस कर लेनी है पासवर्ड डाल के। पासवर्ड गाइस आपको इस वीडियो में कहीं देखने को मिल जाएगा, आप कंप्लीट वॉच करिएगा तो आपको पासवर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं पासवर्ड डाल के थीम को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हमारी थीम सक्सेसफुली डिकम्प्रेस हो चुकी है, मैं यहाँ से इस थीम को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस डिवाइस स्टोरेज में जाता हूँ, एंड यहाँ से आपको .twd वाले फोल्डर में सभी फोल्डर को ओपन करने के बाद लास्ट में आपको एक टी फोल्डर देखने को मिलेगा, उस फोल्डर में आपको इस थीम को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मेरी पहले से पेस्ट थी तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। फिर गाइस आपको डाउनलोड के फोल्डर में आना है वापस, एंड यहाँ से मैंने जो विजेट की जीप दी थी जिसमें आपको KWGT के विजेट न्यू वाले देखने को मिलते हैं, वह आपको डिकम्प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस जो पहले वाले विजेट थे वो मैंने थोड़े बहुत मॉडिफाई करके इस जीप में डाल दिए हैं, तो आप इस विजेट को अप्लाई कर लीजिएगा। तो विजेट अप्लाई करने के लिए गाइस आपको पुराना वाला वीडियो देखना रहेगा, जिसके लिंक मैं आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो होम स्क्रीन पे विजेट देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप इस विजेट पे टैप करेंगे तो उसके रिलेटेड की एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यह थीम गाइस काफ़ी अच्छी होने वाली है, और विजेट भी गाइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे तो गाइस अपने होम स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है अभी ओरिजिन ओएस जैसा। तो थीम अप्लाई करने के लिए मैं अपना थीम स्टोर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लोकल थीम में जाके उस थीम को अप्लाई कर लूँगा। थीम का प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है, सबसे ऊपर वाली थीम कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इस थीम को अप्लाई कर लेता हूँ, और तब तक गाइस थीम अप्लाई होती है आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारी थीम काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो चुकी है, और यहाँ पर गाइस आपको अपने होम स्क्रीन पे डक वाला वॉलपेपर भी अप्लाई करना होगा। तो मैंने अभी नेविगेशन जेस्चर के लिए ही वॉलपेपर बनाया हुआ है, तो वह आपको अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। तो मैं गाइस देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का वॉलपेपर देखने को मिलता है, उस वॉलपेपर को अप्लाई कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है, एंड मैं यहाँ से इस वॉलपेपर को एडजस्ट करके अपने होम स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको थीम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन करना है, एंड यहाँ पर जाके आपको सर्च कर लेना है themes.gallery.in। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आपको themes.gallery.in का, और सर्च करने के बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप उस थीम पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी, स्क्रॉल कर लीजिएगा गाइस नीचे, और नीचे आपको डाउनलोड लिंक का एक अलग सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी थीम सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। थीम का लुक गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको कैसी लगी गाइस यह थीम कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। Thank you.
आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आशा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह थीम आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।